खबर मतलब करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। नमस्कार, आप सबका स्वागत है महिंद्रगुरु.com द ब्रह्मास फॉर सक्सेस के अंदर, और ये है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली और महिंद्रगुरु.com। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमारी हर वीडियो में आपके साथ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं अलर्ट्स के रूप में उन्हें आप अपने मेल पर पा सकें। फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर, और लाइक कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। केरल स्थित जन शिक्षण संस्थान JSS NGO को यूनेस्को का प्रतिष्ठित कन्फ्यूशियस पुरस्कार दिया जाएगा। NGO को यह पुरस्कार साक्षरता से जुड़ी कौशल विकास गतिविधियों के लिए पेरिस में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। भारत ने द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते के लिए यूनान के साथ शुरुआती समझौता किया है, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं। इस समझौते का उद्देश्य घरेलू विमानन कंपनियों को इस यूरोपीय देश में असीमित पॉइंट ऑफ कॉल यानी गंतव्य शहरों की अनुमति देना है। तो एक तरह से जितने भी शहर हैं ग्रीस के अंदर, वहाँ का जो आवागमन है वो और सरल हो गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत और अमेरिका ने संबंध मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर अमेरिकी एजेंसी USAID ने स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में 5 नई साझेदारी की घोषणा की है। अगर बात करें तो USAID का जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आइए बढ़ते हैं आगे। डेल इंक सबसे बड़ा एक टेक मर्जर है सर। डेल इंक ने EMC कॉर्प के अधिग्रहण का 67 अरब डॉलर का सौदा पूरा कर लिया है। इससे दुनिया की निजी रूप से नियंत्रित सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी अस्तित्व में आ गई है। अगर हम इमेजिन करें तो इससे पहले जो मर्जर हुआ सबसे बड़ा, उस वो मर्जर करीब इसका आधे से भी कम था। तो एक बहुत बड़ा एक तकनीकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक मर्जर है। आइए बढ़ते हैं आगे। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को आगामी हिंदी दिवस पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कार भारत भारती सम्मान से नवाजा जाएगा। अगली सुर्खी। गुजरात के राज्यपाल OP कोहली ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। बात करें तो सवाल बन सकता है कि दोनों प्रदेशों के राज्यपाल कौन है, दोनों का उत्तर क्या होगा सर? OP कोहली। आइए पढ़ते हैं आगे। एक अच्छी खबर, और रिलायंस के तो अच्छी खबरें बनती ही जा रही हैं। प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2016 के अनुसार 250 ऊर्जा कंपनियों के बीच रिलायंस पिछले साल के अपने 14वें स्थान से इस बार 8वें स्थान पर आ गई है। तो हर एक चरण में इस साल बहुत अच्छा रहा रिलायंस के लिए, एक अच्छा साल रहा ओला के लिए भी। इसलिए वाहन बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला ने कार चालकों में उद्यमिता विकसित करने तथा वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए करार किया है। तो एक तरह से जो ओला के कार ड्राइवर्स हैं उन्हें बेहतर सेवाएं मिलेंगी और उनका जो जीवन है वह भी सुरक्षित होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री होविक अब्रेम्यान ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगर बात करें तो अब्रेम्यान कहना है कि कैरन कारपेत्यान उनके एक एबल सक्सेसर हैं, उनके बाद वो जिम्मा संभालेंगे और जो एक संकट है देश के अंदर वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। अगली सुर्खी। CK नानी ने परमाणु ऊर्जा विभाग के यूरेनियम कॉरपोरेशन उपक्रम ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD UCIL के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अब बारी है सर सवालों की। उम्मीद करते हैं इनके उत्तर आप दे पाएंगे, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो पिछले हेडलाइन से ही हैं। निम्नलिखित में से किस NGO को इस वर्ष प्रतिष्ठित यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार दिया जाएगा? हेल्पेज इंडिया, प्रयत्न, जन शिक्षण संस्थान, केयर इंडिया या गूंज? दूसरा प्रश्न। भारत ने द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते के लिए किस देश के साथ शुरुआती समझौता किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू विमानन कंपनियों को यूरोपीय देश में असीमित पॉइंट ऑफ कॉल यानी गंतव्य शहरों की अनुमति देना है? यूनान, फ्रांस, इजराइल, तंजानिया या श्रीलंका? अगला सवाल। भारत और अमेरिका ने आपस में संबंध मजबूत करने के लक्ष्य को लेकर अमेरिकी एजेंसी USAID के साथ स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में कितनी नई साझेदारियों की घोषणा की है? 3, 5, 7, 9 या 11? उत्तर क्या है सर? 5 समझौते हैं। और यहाँ पर सवाल में पूछा भी आपसे कि USAID का पूर्ण रूप क्या है, वो सवाल भी आ सकता है। अगला सवाल। किस कंपनी द्वारा लगभग 67 अरब अमेरिकी डॉलर में EMC कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया, जो अब तक का सबसे बड़ा टेक मर्जर है? सोनी नहीं, HP बिल्कुल बात करेंगे। HP और कॉम्पैक का जो डील हुआ था वो सेकेंड बिगेस्ट मर्जर है। एसर, डेल या लेने वो? उत्तर है सर डेल इंक, विकल्प 4। अगला सवाल। भारत भारती सम्मान किस राज्य का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? उत्तर है सर विकल्प 5 जो कि है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। गुजरात के राज्यपाल कौन है? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया हमने, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, पर यहाँ जो उत्तर है वो दोनों ही सेम है जो कि है विकल्प 2 जो कि है OP कोहली।
बढ़ते हैं आगे। बाकी कई और इसकी किरण बेदी जो हैं वो पुडुचेरी की हैं, तो वहाँ भी आपको याद रखना है कि और जो नाम लिखे थे वो कहाँ कहाँ के राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2016 के अनुसार 250 ऊर्जा कंपनियों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हुई है? NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज या आदित्य बिरला इंडस्ट्रीज? उत्तर है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बढ़ते हैं आगे सर, किस कंपनी के साथ ओला ने उद्यमशीलता विकसित करने एवं कार चालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? आसान सवाल लग रहा होगा सर और ब्रिंग भी कर रहा है, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। पढ़ते हैं आगे सर, सवाल बढ़िया है। होविक अब्रमेयान किस देश के निवासी हैं? तुर्की, तंजानिया, ग्रीस, अर्मीनिया या जिम्बाब्वे? हमने देखिए निवासी लिखा, हमने राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री नहीं लिखा। उत्तर है सर अर्मीनिया, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है। अगला सवाल, हाल ही में किसने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में प्रभार संभाला है? अशोक लवासा, सी के असनानी, आर के माथुर, ए के मित्तल या पी के मेहता? उत्तर है सर विकल्प दो जो कि है सी के असनानी। अब बारी सर हमारे एक पॉपुलर सेक्शन की, जिसमें हम आंसर देंगे पहले और फिर बताएंगे आपको कि वह जो अगर आप उस विनर्स में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। आंसर्स हैं आंध्र प्रदेश 24 घंटे 24 आवर्स, गूगल, तोशियो टोमिनागा एंड ग्रीस। जो विनर्स हैं इति सिन्हा, ज्योति झा, पापाई सिंघा, तरन्नुम सैफी, आदर्श कुशवाहा, नीलिमा तिवारी, अजय यादव, आशीष खंडेलवाल जो कि काफ़ी एक्टिव एस्पायरेंट हैं, अनुराग मिश्रा और पुखराज प्रजापति। अब बारी है उन लोगों की जो चाहते हैं इस लिस्ट में आना और फेसबुक के टॉप 3 विनर्स में आना। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, हाल ही में किसने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में प्रभार संभाला है? अशोक लवासा, सी के असनानी, आर के माथुर, ए के मित्तल या पी के मेहता? प्रश्न दो, निम्नलिखित में से किस मोटर कंपनी ने वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड के साथ अपने 8 वर्षीय संयुक्त उद्यम व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है? होंडा, सुजुकी, मित्सुबिशी, निसान या GMC? सवाल थोड़े से अलग है सर, करंट के हैं। रणनीति बिक्री के तहत कितनी कंपनियों की नीति आयोग द्वारा पहचान की गई है? 22, 33, 44, 55 या 66? डॉक्टर मेरे कह रहे हैं थोड़ा सही से बैठे। प्रश्न 4, अपने उत्पादों के लिए राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए बाबा रामदेव की फर्मों पर उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया है? 12 करोड़, 14 करोड़, 16, 18 या 20? बाप रे बाप। प्रश्न 5, निम्न में से किस कंपनी को IPO के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए SEBI से मंजूरी प्राप्त हुई है? अबीबा जीवन बीमा, भारतीय एक्सा, बायोकॉन, वॉलमार्ट, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ? ये रहे हमारे सर 5 सवाल, इनके उत्तर आप दें और बिल्कुल जो विनर्स होंगे टॉप 3 खास तौर पर उनको हम पब्लिश करेंगे फेसबुक पेज पर। रिमेंबर बहुत 6 लाख के ऊपर व्यूज हैं तो बहुत जगह उसका पब्लिशिंग होगा, तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो एक नॉलेज है उसे आप एक तरह से दिखाना चाहें कि हाँ इतना मुझे आता है, तो बिल्कुल ये क्विज आपके लिए है। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड याद रखें कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।